इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना, शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इंदू हॉस्पिटल नीमराणा राज क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदू यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव पूर्व सर्जन SMH जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPA सुविधा द्वारा निशुल्क उपचार उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं RAT24। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर पुलिस द्वारा रात्रि से ही भारी वाहनों को दिल्ली की तरफ जाने से रोककर उनका रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली में 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के कारण इन वाहनों का प्रवेश बंद किया गया है। रूट डाइवर्ट के चलते बहरोड में भी जाम की स्थिति देखने को मिली। बहरोड के जागवास चौराहे पर बड़े वाहन, स्कूली और अन्य निजी वाहन फंसे हुए नजर आए। लायंस क्लब बहरोड रॉयल द्वारा 75वें आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर तिरंगा वितरण भी किया गया। यह रैली अलवर रोड से प्रारंभ होकर कमला पब्लिक स्कूल के प्रांगण तक पहुंची। इस रैली में यूनिक स्कूल कमला पब्लिक स्कूल के अलावा अनेक शिक्षण संस्थाओं के 600 बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के विशेष योगदान से 151 फुट लंबे तिरंगे को भी निकाला गया। कार्यक्रम संयोजक लायन करमबीर यादव ने बताया कि इस दौरान क्लब के सभी मेंबर मौजूद रहे। बहरोड के पहाड़ी गांव में शहीद धर्मपाल गुर्जर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा पूरे गांव में देशभक्ति गीतों के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सभी में देशभक्ति की भावना देखी गई। तिरंगा यात्रा के दौरान स्कूल प्रिंसिपल, स्टाफ, ग्रामवासी सहित अनेक गणमान्य लोग व ग्रामवासी साथ रहे। राठ इंटरनेशनल स्कूल बहरोड को हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित श्रेष्ठ स्कूल स्कीम के तहत द बेस्ट CBSE प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल के अवार्ड से नवाजा गया है। इतने कम समय में इस विद्यालय ने जो ऊंचाइयों को छुआ है, निश्चित तौर पर एक बहुत ही सराहनीय है। हर साल कोचिंग के माध्यम से नीट में, IITs में और NDA, NTSC, STSC में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का चयन होता जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें RAT24। नमस्कार।